सीताफल की बासुंदी जिसे बनाना बहुत ही आसान है घर पे। तो इसके लिए एक पैन में लिया है मैंने हाफ लीटर मिल्क। दूध को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और इसे चलाते रहना है बीच बीच में और इसके साइड्स को क्लीन करते रहना है ताकि मलाई जो वो चिपके ना। दूध को अच्छे से उबाल लेना है जब तक ये हाफ ना हो जाए। जब ये हाफ हो जाए इसमें मैंने ऐड किया शुगर का पेस्ट। आप डायरेक्टली शुगर पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास शुगर और केसर का एक पेस्ट पड़ा था तो मैंने उसे ही डाल दिया। पेस्ट को मैंने डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया। शुगर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर इसमें ऐड कर दें मावा। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मावा का यूज़ किया है। तो इसे दूध में डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे और 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे और एंड में इसे 1 से 2 बार उबाल लेना है। गैस की फ्लेम को ऑन करके हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अलग टिन में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए जल्दी। बासुंदी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के बीज को रिमूव कर लेंगे। सीताफल को ईजिली पील करने के लिए यहाँ पे मैंने चॉपर का यूज़ किया है। सीताफल के छिलके को हम निकाल लेंगे और इसका पल्प और बीज जो है इसे हम एक चॉपर में डाल देंगे। ऐसे करने से सीताफल के बीज जो है वो ईजिली सेपरेट हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में जो है पल्प रिमूव भी हो जाएगा। मैंने सारे सीताफल के छिलके को रिमूव कर लिया है और इसे अब हम डाल देंगे चॉपर में। चॉपर को ज़्यादा ना भरे वरना इसे घुमाते वक्त जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 सीताफल को रिमूव करके डाल दिया इसमें और इसे हम 2 से 1 मिनट के लिए घुमा लेंगे अच्छे से ताकि इसका पल्प जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके सीड्स जो है वो अपने आप साइड में रिमूव हो चुके हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत करके हमें इसके बीज को जो है वो रिमूव कर लेना है तो रेडी हो जाएगा हमारा पल्प। बासुंदी के लिए मैंने 3 सीताफल के पल्प को रिमूव कर लिया है। सीताफल का और फ्लेवर एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप इसमें और 2 सीताफल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पल्प जो है रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे बासुंदी के फाइनल स्टेप में। तो यहाँ पे पल्प को हमें डाल देना है ठंडे दूध में। गर्म दूध में कभी भी पल्प को ऐड ना करें वरना इसका टेस्ट जो है वो खट्टा आएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बासुंदी को रूम टेम्परेचर में आने तक ठंडा कर लिया था। इसमें हम पल्प ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है सीताफल का पल्प जो है वो लंप फॉर्म में ही रह जाएगा बासुंदी में। इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे लीड लगा के फ्रिज में चिल्ड होने रखा था। इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर आप चाहे तो इसे पिस्ता और बादाम से भी टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे गार्निश किया था थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ। तो ये है बहुत ही सिंपल और ईजी सी बासुंदी की रेसिपी। तो सीताफल के सीज़न में ये सीताफल के बासुंदी को बनाना ना भूलें और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सर्व करें। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।